52 कार्ड्स का एक पैक है, हम वन बाय वन करके कार्ड्स निकाल रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट. FN प्रोबेबिलिटी गिवन है दैट एन एस विल अपीयर एट द nth टर्म, तो हमें जो ऑप्शंस हैं उनमें से पता करना है कि कौन सा कंडीशन यहां पर सेटिस्फाई होगा. ना सपोज हमें एस फर्स्ट टर्न में मिल जाता है, तो हम कहेंगे n की वैल्यू 1 पुट करते ही एस मिल जाए. हमने फर्स्ट कार्ड ड्रॉ किया, उसके 52 तरीके हैं. फर्स्ट कार्ड ही हमारा एस हो जाए, दैट मीन्स आउट ऑफ 4 एस हमें एक कार्ड मिल जाए, तो फेवरेबल केसेस हो गए हैं 4, टोटल 52, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/13. तो फर्स्ट टर्न में ही हमें एस मिल जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/13. क्या हो अगर हमें फर्स्ट टर्न में एस ना मिले, सेकंड टर्न में एस मिले? तो सेकंड टर्न में एस मिलने का मतलब है फर्स्ट टर्न में हमें एस नहीं मिला है, तो हमने जो कार्ड ड्रॉ किया है उसको ड्रॉ करने के तरीके 52 फर्स्ट कार्ड को ड्रॉ करने के, और वो एस नहीं है, इसका मतलब है वो किसी भी बाकी बचे हुए 48 कार्ड में से कोई एक है. ये हमने फर्स्ट कार्ड ड्रॉ किया है एंड अब हम सेकंड कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं. अब टोटल कार्ड जो अवेलेबल हैं वो है 51. सो 51 कार्ड में से एक कार्ड को हम 51C1 वेज में या 51 वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं. ये कार्ड एस हो, यहां पर अब हमारे पास अगेन फेवरेबल केसेस कितने हैं? 4. तो 4 इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू हो गई है 1/13 इंटू 48/51. नाउ एज यू कैन सी ये वैल्यू डेफिनेटली 1 से कम है, तो F2 की वैल्यू हर हालत में 1/13 से तो कम होगी ही होगी. दैट मीन्स F2 जो है वो कम होगा 1/13 से. वॉट अबाउट F3? अगर इसी प्रोसेस को हम एक बार और कर लेते तो क्या होता? F3 यानी थर्ड टर्न में हमें एस मिला है, तो फर्स्ट कार्ड हमने ड्रॉ किया 52 वेज, वो एस नहीं है, 48 फेवरेबल केसेस. सेकेंड कार्ड हमने ड्रॉ किया वो भी एस नहीं है, सो यहां लिखेंगे 51, वो भी एस नहीं है क्योंकि हमें 47 रिमेनिंग कार्ड में से एक ड्रॉ करना है. थर्ड कार्ड हमने ड्रॉ किया वो एक एस है, तो 50 कार्ड में से एक ड्रॉ किया और वो एक एस है. अगेन इसको हम सॉल्व करते हैं तो 1/13 हमारे पास आता है 1/13 इंटू 48/51 इंटू 47/50. डेफिनेटली F3 भी 1/13 से कम है और ये F2 से भी कम है, क्योंकि F2 की वैल्यू हमारी क्या थी? 1/13 इंटू 48/51. जब हमने इस एक्सप्रेशन को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आंसर 1 से कम है, तो मल्टीप्लाई होते ये ओवरऑल आंसर इस वैल्यू से कम हो जाएगा. तो हम यहाँ पर क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि हमारा जो F2 है वो 1/13 से कम है और F3 जो है वो F2 से भी कम है, और ये हमारे पास एक ऑप्शन में अवेलेबल है. हमने एक डाई को 3 बार थ्रो किया है और सम जो आया है वो है 15. हमें पता करना है कि फर्स्ट थ्रो में एक 4 आया था, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? अब सम 15 हम कैसे ला सकते हैं? मान लीजिए फर्स्ट थ्रो में 6 आता है डाई पे, तो बाकी जो 2 थ्रोज बचे हैं उनमें सम 9 होना चाहिए, तभी 6 + 9 = 15 होगा. 9 हम ला सकते हैं 6 and 3, 5 and 4, 4 and 5, 3 and 6 वेज में. दैट मीन्स जब फर्स्ट थ्रो में 6 आए तो सम 15 आने के लिए देर आर 4 केसेस. अच्छा, अगर फर्स्ट थ्रो में 5 आ जाए तो बाकी दोनों थ्रोज के जो नंबर्स का सम है वो 10 होना चाहिए. 10 हम कैसे ले सकते हैं? 6 and 4, 5 and 5, 4 and 6. तो यहां पर 3 केसेस हमारे पास और आ गए हैं. अच्छा, फर्स्ट थ्रो में 4 आ जाए तो बाकी दोनों थ्रोज में जो नंबर आए हैं उनका सम 11 होना चाहिए. 6 and 5, 5 and 6. और अगर फर्स्ट थ्रो में 3 आ जाए तो बाकी दोनों थ्रोज के नंबर्स का सम 12 होना चाहिए. इट कैन बी डन इन 1 वेज. ये 3 से कम नहीं हो सकता है, बिकॉज अदरवाइज हमारे पास यहां पर सम जो है वो कोई भी केसेस में फुलफिल नहीं हो पाएगा. तो सम 15 आने के लिए टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं 10. फर्स्ट थ्रो में 4 आने के लिए फेवरेबल केसेस हैं 2,
तो हमारी जो डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 1/5। हमारे पास यहाँ पर तीन तरह की फैमिलीज हैं, फैमिलीज जिनमें दो मेंबर्स हैं, फैमिलीज जिनमें फोर मेंबर्स हैं, एंड फैमिलीज जिनमें सिक्स मेंबर्स हैं, राइट। द प्रोपोर्शन ऑफ फैमिलीज आर रफली इक्वल। इसका मतलब है अगर हम मान लीजिए एक फैमिली चुनते हैं तो उसके सेलेक्ट होने के चांसेस बराबर होंगे। अ पोल इज कंडक्टेड, अ पर्सन इज चोजन एट रैंडम। नाउ अब सबसे बड़ा इशू है कि ये जो पर्सन हम चूज कर रहे हैं ये किस फैमिली का होगा। या तो ये होगा फैमिली जिसमें टू मेंबर्स हैं, या ये होगा फैमिली जिसमें फोर मेंबर्स हैं, या ये होगा फैमिली विद सिक्स मेंबर्स। क्योंकि तीनों ही फैमिलीज के सेलेक्ट होने के जो चांसेस हैं वो इक्वल हैं, तो हम ये कहेंगे कि अगर सिक्स फोर एंड टू यहाँ 12 मेंबर्स को हम चुनते हैं तो उनमें से 6 मेंबर्स इस फैमिली के होंगे, 4 मेंबर्स इस फैमिली के होंगे और 2 मेंबर्स इस फैमिली के होंगे। क्योंकि अगर हम इससे चुनते हैं तो 2 मेंबर हैं, इसे चुनते हैं तो 4 मेंबर्स हैं और इसे चुनते हैं तो 6 मेंबर्स हैं, तो टोटल 12 मेंबर्स हैं। तो अगर हम किसी एक पर्सन को चुनते हैं तो क्योंकि इनके सेलेक्ट होने के चांसेस इक्वल हैं, तो फैमिली विद सिक्स मेंबर्स के मेंबर को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी होगी 6/12 या 1/2। ऐसे ही फैमिली विद फोर मेंबर्स के एक फैमिली मेंबर को चुनने की प्रोबेबिलिटी होगी 4/12 या 1/3। एंड फैमिली जिसमें दो मेंबर्स हों इसके किसी मेंबर को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी होगी 2/12 या 1/6। अच्छा, अगर हम वो मेंबर्स चुनते हैं जिसमें 6 फैमिली मेंबर्स हैं और उसे ये पूछा जाए कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, तो उसका जवाब होगा 6। तो इंटू 6 हम यहां कर दें तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है 3। यहां इस फैमिली के किसी मेंबर से पूछा जाए कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं तो वो जवाब देगा 4। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है 4/3। और अगर इस फैमिली के किसी मेंबर से पूछा जाए कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं तो वो जवाब देगा 2। तो ये वैल्यू हो गई 1/3। तो एवरेज फैमिली साइज जब हम करेंगे तो उसका आंसर क्या होगा, 3 + 4/3 + 1/3। That means, यहाँ 3 हम LCM ले सकते हैं, 9 + 4 + 1 = 14/3। और हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4.66 एंड सो ऑन, सो वी कैन जस्ट राइट डाउन 4.667। तो ये जो ऑप्शन हमें गिवन है वो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। The probability that a randomly chosen factor of 10 raised to the power 19 is a multiple of 10 raised to the power 15 is. Probability का हमारा basic formula क्या है? Favorable cases, अगर कोई event है A, उसके होने की probability हम कैसे define करते हैं? Favorable number of cases divided by total number of cases. हम बात कर रहे हैं यहाँ पर factor की. 10 raised to the power 19 को हम लिख सकते हैं 2 raised to the power 19 into 5 raised to the power 19। नंबर सिस्टम एक बेसिक कंसेप्ट है नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का। अगर हम इस टर्म के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना चाहें, क्योंकि ये प्राइम फैक्टर फॉर्म है, यहाँ पर ये दोनों प्राइम नंबर हैं, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं, पावर जो है वो नेचुरल नंबर है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला होता है 19 + 1। ये जो पावर है उसमें हम 1 ऐड कर देते हैं और यहाँ पर भी 19 + 1। तो अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमसे पूछे जाएं 10 रेज टू द पावर 19 के, तो वो होंगे 20 × 20। इसमें 1 फैक्टर भी शामिल है और 10 रेज टू द पावर 19 भी शामिल है। इसके पीछे लॉजिक बड़ा सिंपल है कि 2 रेज टू द पावर 19 × 5 रेज टू द पावर 19 करने पर ये एक्सप्रेशन आता है
दैट मीन्स 2^0, 2^1 से करते हुए अगर हम 2^19 तक जाएं और यहाँ पर 5^0, 5^1 एंड सो ऑन 5^19 तक जाएं और इनमें से हम कोई भी आपस में मल्टीप्लाई करें, वो सभी नंबर्स 2^19 इंटू 5^19 के फैक्टर्स होंगे। यहाँ पर टोटल 20 ऐसे नंबर्स हैं, यहाँ पर टोटल 20 ऐसे नंबर्स हैं, तो इनका प्रोडक्ट टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स रिप्रेजेंट करता है। ये प्लस वन हमने किसके लिए ऐड किया है? इस पर्टिकुलर टर्म के लिए, 2^0 के लिए और यहाँ पर 5^0 के लिए। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है सारे फैक्टर्स। नाउ हमारी कंसर्न क्या है? वो फैक्टर्स जो कि मल्टीपल है 10^15 के। 10^15 होता है 2^15 इंटू 5^15। यानी हमारे फैक्टर्स इस एक्सप्रेशन से या इस टर्म से डिविजिबल होने चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि हमारे काम के जो नंबर्स होंगे वो होंगे 2^15, 16, 17, 18 एंड 19। और यहां पर अगर हम देखेंगे तो 5^15, 16, 17, 18 एंड 19। अगर हम मान लीजिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो फैक्टर आएगा, जो नंबर आएगा वो 2^15 इंटू 5^15 का मल्टीपल होगा। अगर हमने इन दोनों को ले लिया तो भी वो मल्टीपल होगा। तो यहां पर अगर हम ये देखें कि इस तरफ हमारे पास में टोटल टर्म्स कितनी है, 5, और यहां पर भी टोटल टर्म्स कितनी है, 5। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो अभी जो फैक्टर्स आएंगे ये सर्टनली इसका मल्टीपल होंगे। तो फेवरेबल केसेस हो गए 5 × 5 = 24 times, तो हमारी जो डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, 1/16। Look at this question. A man is known to speak the truth on an average 4 out of 5 times. He throws a die and reports that it is a 5. The probability that it is actually a 5 is. हमारे सामने options हैं। Question को solve करने के लिए हम थोड़ा सा systematic way में एक बार move करेंगे यहाँ पर। हम कुछ cases बना लेते हैं। मान लीजिए हम एक die throw करते हैं, तो क्या-क्या चीजें आ सकती हैं? हो सकता है number 5 आ जाए, हो सकता है नंबर 2 आ जाए, नंबर 1 आ जाए, 3, 4 और 6, कोई भी नंबर आ सकता है। हर एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6। तो कोई भी नंबर आए इस बात की प्रोबेबिलिटी है 1/6, सभी जगह ऐसा होगा। ये भी 1/6 है, यहां पर भी और यहां पर भी, बिकॉज डाई जो है वो एक फेयर डाई है। हम यहाँ दो केसेस पर मेजरली फोकस करेंगे, एक जब 5 आता है और एक जब 5 नहीं आता। अच्छा, 5 आता है और वो रिपोर्ट कर रहा है क्या कि ये 5 है, बिकॉज ही स्पीक द ट्रुथ ऑन एन एवरेज 4 out of 5 टाइम्स। तो हम क्या कहेंगे, 4/5, वो 5 ही रिपोर्ट करेगा। और वो 5 रिपोर्ट नहीं करेगा, ये हो गया 1/5। हमारा फोकस किस पे है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है he reports that it is a 5, तो 5 आया और उसने 5 रिपोर्ट किया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इन दोनों का प्रोडक्ट। सो 1/6 इंटू 4/5 अगर मैं करता हूं तो ये वैल्यू हो जाएगी 4/30। ये हमारे काम का नहीं, क्योंकि इसने 5 रिपोर्ट नहीं किया। हमारा फोकस किस पर होगा, जब उसने 5 रिपोर्ट किया। तो 5 आया, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, उसने 5 रिपोर्ट किया यानी ट्रू रिपोर्ट किया, 4/5 से मल्टीप्लाई करेंगे 4/30। अब हम एक थोड़ा दूसरा केस लेते हैं, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। यहां पर भी दो केसेस हमारे क्या बन गए, एक कि वो ये 2 रिपोर्ट करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 4/5। तो 4/5 इंटू 1/6 अगेन विल से 4/30, बट अगेन ये हमारे काम का नहीं, वो 2 रिपोर्ट नहीं करेगा। अगर 2 रिपोर्ट नहीं करेगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/5।
टू रिपोर्ट नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि वो फाइव रिपोर्ट करेगा। टू रिपोर्ट नहीं करने का मतलब है कि वो हो सकता है वन रिपोर्ट करे, वो थ्री रिपोर्ट करे, वो फोर रिपोर्ट करे, वो फाइव रिपोर्ट करे या वो सिक्स रिपोर्ट करे। क्योंकि टू आया और टू रिपोर्ट किया, ये केस तो अलग हो गया। टू आया और उसने टू रिपोर्ट नहीं किया, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/5 है, यानी उसने झूठ बोला। लेकिन जब उसने 1/5 जब उसने झूठ बोला तो उसने कौन सा नंबर बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम कौन सा नंबर ढूंढ रहे हैं, जब उसने 5 रिपोर्ट किया। ओके, क्योंकि सबके बराबर चांसेस हैं झूठ बोलने की, यहाँ पर इसके अंदर ऐसा कुछ है नहीं। उसने कहा कि भाई 2 नहीं आया, अच्छा क्या आया, 1 आया, तो मे बी हम कहेंगे यहाँ पर प्रॉबिलिटी हो गई 1/5, बिकॉज सब कुछ बराबर है, यहाँ हर एक की प्रॉबिलिटी 1/5 है। तो अगर 2 नहीं आया और उसने 5 रिपोर्ट किया, इसकी प्रॉबिलिटी क्या होगी? 2 नहीं आया मतलब 2 रिपोर्ट नहीं किया 1/5, लेकिन उसमें भी 5 रिपोर्ट किया, इसकी प्रोबेबिलिटी फर्दर 1/5, तो ये हो गई 1/25। इनफैक्ट ये सारी प्रोबेबिलिटीज 1/25 ही होंगी, ये भी 1/25, ये भी 1/25, तभी सभी को आप ऐड करेंगे तो यू विल गेट 5/25 विच इज इक्वल टू 1/5। तो 2 आया और उसने 5 रिपोर्ट किया, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/5 नहीं होगी, 2 आया और उसने 5 रिपोर्ट किया, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/25 यहां पर। तो बताइए 2 आने पर 5 रिपोर्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6 और 1/25 का प्रोडक्ट, ये हो गई 1/150। पर ध्यान रखिए ये 2 का केस हुआ, 1 के केस में भी 1/150, 3 के केस में भी सेम होगा, तो मैं इनफैक्ट यहां पर इनटू क्या कर दूंगा, 5 गोज इनटू 150 30 टाइम्स। तो 5 नहीं आया और 5 रिपोर्ट किया, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/30 होगी। तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इन दोनों का सम, दैट इज 5/30। हमें पता करना है उस बात की प्रोबेबिलिटी कि जब उसने 5 आया था और उसने 5 रिपोर्ट किया, 4/30, 30 से 30 कैंसिल होगा, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए था, 4/5, बट वो किसी भी ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। तो फिर हम यहां पर ये मान के चलेंगे कि जब वो 2 नहीं आता है तो वो 5 रिपोर्ट करता है, जो एग्जामिनर है उनका इंटेंशन ये है। अगर ऐसा हुआ तो ये सारे केसेस हमारे हाथ से हट जाएंगे, क्योंकि जो इंटेंशन पे अगर हम फोकस करेंगे, क्योंकि ऑप्शन में हमें कोई नहीं मिल रहा, नन ऑफ दीज हमारे पास नहीं है, तो हम यहां क्या कहेंगे कि अगर उसने 2 आया और 2 रिपोर्ट किया तो 4/5, 2 रिपोर्ट नहीं किया तो उसने एक्चुअल में, हम यहां मान के चलेंगे उसने कहा ये 5 आया, राइट, बाकी सारे केसेस में 5 आया है, वो प्रोबेबिलिटी 1/5। तो ऐसे ही ये टोटल प्रोबेबिलिटी होगी 1/6 एंड 1/5, दैट इज 1/30। ऐसे कुल कितने केसेस हैं, 5, तो इनटू 5 कर देंगे, सो इट विल बिकम 5/30। अब हमारा आंसर क्या होगा, 5 रिपोर्ट करने की प्रोबेबिलिटी 4/30 एंड 5/30, दैट इज 9/30, और एक्चुअल में 5 आया था, ये 4/30, 30 से 30 कैंसिल हो गया, तो आंसर 4/9। तो यहां पर एक अजम्पशन हमें लेके चलना पड़ेगा अगर हम ऑप्शंस के थ्रू जाएं, कि जब वो 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं आता, कोई भी नंबर आता है, 2 आता है, उसने रिपोर्ट किया 2 तो ट्रू बोला, पर उसने रिपोर्ट नहीं किया, उसने कहा 2 नहीं आया, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि उसने कहा कि 5 आया। ये अजम्पशन लेंगे तभी हमारा फर्स्ट ऑप्शन आंसर होगा, अदरवाइज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4/5। एक ट्रिकी क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार आप इस तरह की मुसीबत में हो तो हमेशा याद रखिए आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना। अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज होता है इस क्वेश्चन में तो जनरली एग्जामिनर इवेल्यूएट करने के बाद उसका बोनस पॉइंट सभी स्टूडेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, पर अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं होता है तो फिर जिन्होंने इसको 4/9 आंसर मार्क किया होगा उन्हें इसका एडवांटेज मिल जाए। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है, पर इसमें मैट्रिक्स का भी कंसेप्ट इन्वॉल्व हुआ है। 2/2 का मैट्रिक्स है, उसको हमने फिल किया है 4 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स रैंडमली चोजन फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5, 6। देन द प्रोबेबिलिटी दैट द मैट्रिक्स जनरेटेड इन सच वे इज सिंगुलर।
अच्छा, सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? सपोज हम यहां पर बात कर रहे हैं चार एलिमेंट्स की, ए बी सी और डी। वो मैट्रिक्स सिंगुलर कहलाता है जहां पर ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी करने पर वैल्यू जीरो आती है। एक बार ये बात समझ में आ गई तो फिर क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमें टोटल सबसे पहले तो चार नंबर्स चूज करने हैं आउट ऑफ दी सिक्स। ये तरीका होगा 6C4। नाउ एक बार हमने चार नंबर्स चुन लिए, मान लीजिए हमने नंबर चुने 1, 3, 5 एंड 6। अब इन चार नंबर्स को इन चार पोजीशंस पे अरेंज करने का तरीका होगा 4 फैक्टोरियल। हम डायरेक्टली परम्यूटेशन से भी इसको लिख सकते थे, लेकिन कॉम्बिनेशन से करेंगे तो थोड़ा सा आसान रहेगा समझने में जब हम फेवरेबल केसेस की बात करेंगे, बिकॉज डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी का हमारा फॉर्मूला होगा फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। तो पहले तो टोटल केसेस हम अरेंज पता करते हैं। ये जो सिक्स नंबर्स हमें दिए गए हैं, सिक्स डिजिट्स हमें दी गई हैं, इनमें से चार को सेलेक्ट करके अरेंज करने के कुल कितने तरीके होंगे? तो 6C4 × 4 factorial, राइट? नाउ why 4 factorial? बिकॉज देखिए इस पोजीशन पे अगर 1 आता है दैट्स अ डिफरेंट अरेंजमेंट, और अगर यहाँ 3 आता है देन इट इज अ डिफरेंट अरेंजमेंट। तो फर्स्ट पोजीशन को फिल करने के यू कैन से 4 ways हैं, फिर इनमें से किसी और को ले ले 3 ways हैं, 2 ways एंड 1 way। तो ये हो गए हमारे टोटल नंबर ऑफ केसेस। व्हाट अबाउट फेवरेबल केसेस? हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो मैट्रिक्स जनरेट हो वो सिंगुलर हो, यानी कि ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी जीरो हो। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम कौन कौन से डिजिट्स का इस्तेमाल करें। लेट अस से हमने एक डिजिट 1 ली है, तो 1 एंड 6, इसके अलावा 2 एंड 3 एक पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है। क्या हम कोई और पॉसिबिलिटी के साथ वर्क कर सकते हैं जहां पर हमारा जो प्रोडक्ट है दो डिजिट्स का और दूसरी दो डिजिट्स का प्रोडक्ट उनका डिफरेंस जीरो हो? सपोज हमने 1 के साथ यहां पर 6 ले लिया, बट 1 के साथ 5 नहीं ले सकते, 4, 3, 2 अगर हम लेंगे तो पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट और अगर हम इनका डिफरेंस निकालें तो वो क्या होगा? जीरो। अच्छा, अगर हम 2 के साथ बात करें तो एक पॉसिबिलिटी और है, 2 एंड 6 को हम एक साथ लिख दें और 3 एंड 4 का इनका प्रोडक्ट एक साथ लें, तो ये भी 12 एंड 12 डिफरेंस जीरो आ रहा है। तो यहां पर अब तक दो पॉसिबिलिटी हमारे पास बन चुकी है। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि हम 2 के साथ 5 ले लें? नहीं हो सकता 2 के साथ 4, बिकॉज 2 इंटू 5 10, अब किन्हीं भी दो डिजिट्स का प्रोडक्ट 10 नहीं आ रहा। तो 2 के साथ हमारा सिर्फ यही एक केस बन रहा है। अगर हम 3 के साथ जाते हैं तो 3 इंटू 6 18 करेंगे, तो बाकी किन्हीं भी दो डिजिट्स का प्रोडक्ट 18 नहीं होगा, 3 इंटू 5 15 नहीं होगा, 3 इंटू 4 12, ये केस हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। तो प्राइमरली सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए या तो हमें इन दो को इस्तेमाल करना होगा या हमें इन दो को इस्तेमाल करना होगा। तो टोटल केसेस हमारी हो गए 2। अच्छा, इन 2 केसेस में से अब इनको अरेंज करना है, वो कैसे पॉसिबल है? सपोज हमने यहां पर 1 और 6 लिखा, एक बार समझते हैं। तो इन दो पोजीशंस को फिल करने का तरीका हमारे पास क्या होगा? 2 ways, एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली इन दो पोजीशंस को अरेंज करने का तरीका भी हमारे पास होगा 2 ways। बिकॉज सपोज 1 एंड 6 हमने यहां लिखा तो हम 6 एंड 1 भी लिख सकते थे, यहां पर हमने 2 एंड 3 लिखा तो हम 3 एंड 2 भी लिख सकते थे। तो टोटल 4 केसेस हो गए। ये तो कब? जब 1 और 6 यहां आ गए। अब अगर 1 और 6 यहां आ जाते तो फिर 4 केसेस हो जाते, तो हम इसको डबल कर देंगे। सो 2 × 2 × 2, ये टोटल अरेंजमेंट के तरीके हो गए। आप चाहे तो केसेस बना सकते हैं 1, 3, 2, 6, दिस इज 1 केस, फिर आप लिख सकते हैं 6, 1, 2, 3, हमने 1 और 6 को इंटरचेंज कर दिया। आप लिख सकते हैं 1, 6, 3 एंड 2, एंड देन हम लिख सकते हैं 6, 1, 3 एंड 2। तो टोटल 4 केसेस तो ये हो गए जब 1 और 6 इस पोजीशन पे, और अगर 1 और 6 इस पोजीशन पे हो जाए तो 4 और हो जाएंगे, दैट इज वाई वी से 8 केसेस। तो यहां पर हम ये 8 केसेस लिख देते हैं। सो 2 × 8, 6C4 अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये होता है 6 × 5/2, यानी कि 15। 4 फैक्टोरियल होता है 24। 8 goes into 24 3 times, तो हमारी जो डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो होनी चाहिए 2/45। दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा।